उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात में छापेमारी कर रही है। अहमदाबाद के कई होटलों और अपार्टमेंट में छापेमारी हो रही है। कुछ होटलों के बंद पड़े कमरों को भी खुलवाया जा रखा है और जांच की जा रही है। साबरमती जेल के आसपास के होटल और अपार्टमेंट पर रडार है। सोमवार से ही गुजरात में मौजूद है यूपी एसटीएफ की टीम और लगातार छानबीन वहां की जा रही है। अतीक के गुर्गे अहमदाबाद के होटलों में रुकते थे, ये जानकारी मिली है। अतीक का करीबी आश्रित उर्फ मल्ली ने फ्लैट भी किराए पर ले रखा था। फ्लैट में मल्ली अपने कई गुर्गों के साथ वहां पर रहता था। अतीक के गुर्गे आसानी से उससे जेल में मुलाकात भी करते थे। हालांकि एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक पुलिस उमेश पाल मर्डर केस किसी आरोपी को गुजरात से पकड़ सकने में कामयाब अभी तक नहीं हुई है। शूटरों की गिरफ्तारी को लेकर जांच एजेंसियों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच गुजरात में अब छापेमारी चल रही है। एसटीएफ की एक टीम आज भी गुजरात में ही सुराग तलाशेगी, ये जानकारी मिल रही है। तो यूपी एसटीएफ की टीम अहमदाबाद के कई होटलों में छापेमारी कर रही है, कई अपार्टमेंट में जहां पर भी अतीक के गुर्गों के रहने की शक जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये लोग वहां के आसपास के होटलों में रहते थे जो भी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहे हैं, और अतीक से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचते थे। साबरमती जेल के आसपास जितने भी होटल है वहां पर छानबीन की जा रही है पुलिस की तरफ से। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। मोइन, पूरी ये जांच अब गुजरात पहुंच चुकी है, अहमदाबाद पहुंच चुकी है, टीमें वहां पर मौजूद है, किस तरीके से जांच वहां पर चल रही है, आगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, उमेश पाल शूटआउट केस का आज 20वां दिन है और अगर बात करें तो अब तक एक भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो दो शूटर इनकाउंटर में मारे गए हैं उनको छोड़कर अभी तक किसी दूसरे शूटर को पकड़ा नहीं जा सका है। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद समेत पांच शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसके बाद जांच एजेंसियों ने अब गुजरात का रुख किया है। पुलिस और एसटीएफ की एक टीम गुजरात में पिछले 3 दिनों से डेरा जमाए हुआ है। हालांकि अभी तक किसी शूटर के पकड़े जाने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हुई है, हासिल हुई है। इस बीच जानकारी ये मिली है कि अतीक अहमद के गुर्गों ने साबरमती जेल के आसपास 10 फ्लैट किराए पर ले रखे थे। अब तक 10 फ्लैट को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उमेश पाल शूटआउट केस से पहले इनमें से कुछ फ्लैट को खाली कर दिया गया था और कुछ को बाद में खाली किया गया है। इसके अलावा अतीक अहमद के तमाम गुर्गे जो है वो साबरमती के जेल के आसपास के तमाम होटलों में जाते थे, वहाँ पर रुकते थे। तो ये कहा जा सकता है कि अतीक अहमद ने अहमदाबाद में भी अपना एक अलग साम्राज्य बना रखा था, जेल के अंदर उसका सिक्का चलता था। इसके साथ साथ तमाम गुर्गों को उसने अहमदाबाद बुला रखा था, वो वहां रुकते थे, उससे बेरोक टोक मिलते थे। तो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां जांच एजेंसियों को लगी हुई हैं, लेकिन जो उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल अपराधी हैं उनके बारे में वहां गुजरात से जांच एजेंसियों को कोई खास सुराग नहीं मिल सका है। कुछ करीबियों से पूछताछ जरूर की जा रही है, लेकिन नाकामी जो है वो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि अब जेल में मिलने भी जाते थे, अलग अलग अदालतों में, तो ऐसे में कोई जेल में भी उन्हें संरक्षण तो दे रहा होगा, तभी ये सब कुछ वहां हो रहा था। तो क्या ये जांच जेल प्रशासन तक भी वहां पहुंचेगी क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की जानकारी सामने आई है उसके आधार पर कहा जाता है कि अतीक अहमद का साबरमती जेल में सिक्का चलता था, वो अपना दरबार सजाता था, हर जुमे के दिन नमाज के बाद वहां पर भोज का आयोजन करता था, हुक्का पार्टी चलती थी, तमाम लोग बिना रोक टोक के बिना एंट्री के उससे मिलते थे और ये सारा का सारा काम जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। कल ही हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि गुजरात के जो जेल मंत्री हैं उनसे इस बात की सिफारिश की जाएगी, उन्हें चिट्ठी लिखी जाएगी कि साबरमती जेल में अतीक अहमद का सिक्का चलने की जो जानकारियाँ सामने आई हैं उस बारे में ना सिर्फ जाँच कराई जाए बल्कि कार्रवाई भी की जाए। तो उत्तर प्रदेश के जो जेल विभाग महकमे के डीजी हैं उन्होंने भी इस तरीके की बातें कही हैं कि गुजरात जेल में गुजरात की जो सरकार है उससे रिकमेंडेशन की जाएगी। तो निश्चित तौर पर सिकंजा कसेगा, लेकिन अतीक अहमद पहले तो अपना दरबार सजा ही चुका है, अब जांच होगी, कार्रवाई होगी, किस तरीके की कार्रवाई होगी। जेल में अतीक अहमद को सारी सुविधाएं दी जा रही है, हालांकि अब देखना होगा कि क्योंकि जांच अब गुजरात पहुंच चुकी है, अहमदाबाद पहुंच चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी फिलहाल अभी तक किसी शूटर्स की नहीं हुई। फिलहाल बहुत शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक के भाई अशरफ की अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है। बरेली से प्रयागराज नहीं ले जाने की अशरफ की मांग है। अशरफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग की है। शाइस्ता परवीन की अर्जी पर भी आज सुनवाई होगी। उमेश मर्डर में आरोपी शाइस्ता ने जमानत की अर्जी यहां पर दी है, तो शाइस्ता परवीन की अर्जी पर भी सुनवाई आज ही होने जा रही है। हालांकि अशरफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई की मांग यहां पर की है। बरेली से प्रयागराज नहीं ले जाने की अशरफ की मांग। अतीक के भाई अशरफ की अर्जी पर सुनवाई आज होने जा रही है, क्योंकि बरेली से प्रयागराज लाना है। लेकिन इन सबके बीच अशरफ ने यह मांग की है कि मेरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाए। शाइस्ता परवीन जो कि अतीक की पत्नी है, इनकी अर्जी पर भी आज ही सुनवाई होने जा रही है। उमेश मर्डर में आरोपी शाइस्ता ने जमानत की अर्जी की यहां पर अपनी याचिका दाखिल की है, इस पर भी आज सुनवाई होने जा रही है। दो अहम इन बातों पर आज सुनवाई। अशरफ ने हालांकि इन सबके बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई की मांग की है। तो उमेश पाल मर्डर केस में तमाम जो आरोपी है, इनकी तलाश लगातार की जा रही है। टीम यहां से गुजरात पहुंच चुकी है। साबरमती जेल के आसपास जितने भी होटल्स हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, वहां तक ये जांच पहुंच चुकी है। लेकिन अभी तक शूटर्स की किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इन सबके बीच आज सुनवाई होने जा रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उमेश पाल शूटआउट मामले में सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। अतीक के नाबालिग बेटों के मामले में सुनवाई। कथित तौर पर लापता दो नाबालिग बेटों पर सस्पेंस बरकरार है। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट में सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट अपनी दाखिल कर दी है। कोर्ट पुलिस की दाखिल रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाने जा रही है। तो कथित तौर पर लापता दो नाबालिग बेटों पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है कि आखिरकार ये बेटे है कहां पर। अतीक के नाबालिग बेटों के मामलों में सुनवाई होने जा रही है। उमेश पाल शूटआउट मामले में सीजीएम कोर्ट में सुनवाई आज होगी और पुलिस ने कोर्ट में अपने सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट अपनी दाखिल कर दी है और इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। तो अतीक के नाबालिग बेटों के मामले में सुनवाई। कथित तौर पर लापता दो नाबालिग बेटों पर अभी तक सस्पेंस बरकरार बना हुआ है और इसी को लेकर आज सीजीएम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो अतीक के नाबालिग बेटों को लेकर के लगातार दावे किए जा रहे थे। पुलिस का कहना था कि दोनों बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं, लेकिन इसको लेकर के शाइस्ता परवीन ने पुलिस के तमाम दावों को खारिज किया था और आज ये सुनवाई